शहर के अंदर बाढ़ का हालात है वे बन चुका है। नगर परिषद का जो ड्रेनेज सिस्टम है वे पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। बारिश इतनी ज्यादा हुई है जोधपुर के अंदर के चारों तरफ है, जो हाहाकार मचा दियो है। जो जिला कलेक्टर है जोधपुर का वे स्कूल बंद करने का भी आदेश दे दिया है। देख लग रहे होते वीडियो के अंदर कई साबुन जो गाड़ियां है पानी के अंदर तीरे लाग रही है। आज सुबह 8 बजे तक है 118 mm पानी है जो बरसात बाद दर्ज करी गई है। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी। फ्लीकी एजुकेशन के साथ ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बायपास जयपुर। सगड़ा दर्शकाने राम राम, मैं थारोबेली आशु थे देख ला रहे हो जलको जोधपुर। आज थाना बता दें कि जोधपुर के अंदर जो बारिश है मूसलाधार बारिश को जो दौर है वो चला लाग रहे है। बारिश है जो जोधपुर के अंदर त्राही माम मचा रखी है। सारी पास है गलियां में सारी जगह ऊपर पानी भरेड़ो है। गलियां लबालब हो चुकी है। लोगों ने निकलन जगह को नहीं, लोगों का खाण पीन का लाला पड़ गया क्योंकि गलियां है जो पानी भरेड़ी है। लोग बाग बार भी को निकल पावा लाग रहा। और जो नगर पालिका का जो ड्रेनेज सिस्टम है पानी निकासी करण खातर वे भी पूरी तरीके फेल हो चुका है। और नगर पालिका जो कर्मी है पानी निकालने की कोशिश के अंदर लागेड़ा है। बारिश इतनी ज्यादा हुई है जोधपुर के अंदर के चारों तरफ है जो हाहाकार मचा दियो है। और 12 घंटा पहला बारिश आई मूसलाधार भी के अंदर चारों तरफ है जो जलमग्न जोधपुर हो चुके है। 55% ज्यादा बरसातों की वजह गंगानगर कोटा 12 के बाद में अब जोधपुर में भी बारिश को जो कहर है वो देखने मिलने लाग रहा है साफ तौर में। जी थे वीडियो में देख लाग रहा हो थाने बता दें अठे लारले 12 घंटा के अंदर अड़े बारिश हूँ शहर के अंदर बाढ़ का हालात है वे बन चुका है। जो जिला कलेक्टर है जोधपुर का वे स्कूल बंद करने का भी आदेश दे दिया है। आगामी आदेश तक है जो स्कूल बंद रहेगा। बड़े दूसरी ओर थाने बता दें अगर रेलवे ट्रैक पर पानी भी है वो जमा हो गयो बी की वजह है जो 2 ट्रेन है जो वे रद्द करनी पड़ी है। और मूसलाधार जो बरसात को दौर है वो जोधपुर और जोधपुर के आसपास का जो सारा गाँव है बठे भी देखने में मिलो है। और आ बारिश है जो कल सोमवार ने शाम ने करीब 7 बजे शुरू हुई और 3 घंटा लगातार अब बारिश है जो लगातार बरसी है जिसकी वजह शहर की गलियां में कई जगह है जो कई फीट तक पानी जमा हो गया। और बहाव नदी जिसो है और देखने में मिलने लाग रही है। देख लाग रहे होते वीडियो के अंदर कई साबुन जो गाड़ियां है पानी के अंदर तीरे लाग रही है। शहर के अंदर 30 ज्यादा कॉलोनिया के अंदर पानी भर गया है। और अडन जो नगर परिषद की टीम है पानी निकासी करने के अंदर लाग रही है। नगर परिषद का जो ड्रेनेज सिस्टम है वे पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, फेल हो चुका है। जोधपुर के अंदर आप पहली तेज बारिश है मानसून की और सोमवार शाम आज सुबह 8 बजे तक है 118 mm पानी है जो बरसात बाद दर्ज करी गई है। शहर के कई इलाका में बिजली है जो अभी तक आई को नहीं। और भारी बारिश के चलते जो जोधपुर जिला कलेक्टर है हिमांशु गुप्ता वे सरकारी और निजी स्कूल का छुट्टी का आदेश है वे जारी कर दिया है। और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी है जो भारी मात्रा के अंदर पानी भर चुके है। जोधपुर रेलवे स्टेशन में पानी भरने के कारण जो रेलवे जो यात्री है यात्रा करने वाले भी बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़े। और रेलवे ट्रैक पर इतो पानी भर गयो कि ट्रैक है वो नजर ही को नहीं आवा लाग रहे हो। जी देख लाग रहे हो थे वीडियो के अंदर रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे को ट्रैक है वो दिखे को लाग रहे हो। प्लेटफार्म और स्टेशन के बारे भी जल भराव हूँ जो यात्री है बने बहुत सारी परेशानियां है बा हुई है। और एक बात तो बता दें कि जोधपुर के अंदर जो कागा कॉलोनी है बी के अंदर राधा कृष्ण मंदिर रामगढ़ी में दीवार भी डेगी और बड़े जो गाड़ियां खड़ी साधन खड़े अभी भी दीवार गिरना क्षतिग्रस्त हो गया। दीवार के सारे खड़ी है कार भी चकनाचूर होगी। जेसीबी की मदद हुए मलबा के सागे कार ने बारह निकल गयो। और गनीमत आ रही है कि कार के अंदर भी टाइम कोई बैठे हो नहीं हो नहीं तो और कोई बड़ो हादसा वो हो सका हो। Thank you.
वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पास में देड़ा बेल आइकन का बटन ना दबा दो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। माने दो इजाज़त। जय हिंद, जय राजस्थान, जय जोधपुर।